तो भगवान का कन्हैया ने पीछे खिसकना शुरू कर दिया और वह गोरी के पास में पहुंचे और वह घूंघट खोल के और कान में कह गई कि तुम्हें दूल्हा का नाम क्या है, तुम्हारे पिया का नाम क्या है। भैया बाबा जाके कल छोरी से बात न करियो और जो घूंघट खोल के बात करो। बलराम कहने लगे, श्याम तुमने कहीं वृंदावन समझ लिया? चलो आगे। भगवान कहने लगे, हमने कुछ नहीं पूछी थी, जे पूछेगी तुम कहां से आए। भगवान को आगे किया और बाई गली में राजा कंस को धोबी चलवाए। धोबी परीक्षा जी, आज मन इतनी शराब पी ली, शराब कब पूरी गली में ठोकर खात्मो आए। भगवान बोले, ओ भैया पोटरी वाले तुम कौन हो? अब धोबी ने सम बोला, क्या कह रहा है कि तू कौन है? हम राजा कंस के धोबी हैं। भगवान कहने लगे, भैया तुम राजा कंस के धोबी हो, हम राजा कंस के मेहमान हैं। जल्दी में आए, कपड़न की याद ना रही, भारी दे दे, हम तुम्हें जब गिराव दे दे। अब धोबी हंसा, जबकि अम्मा दूध दही बैठत बैठत बूढ़ी हो गई और तुमको लड़का राजा के कपड़े पहनने का ख्वाब कर रहा है। मनसुखा का लगन वो सब बातें कर अम्मा जाए रहा है। भगवान का लगे, तू रुक जा, हम ही बात कर लेंगे। भगवान आगे बढ़े, तो तमाचो बनाओ और जो घर के धोबी की मारा, धोबी का शीश कट के जमीन पे गिर पड़ा। बोली आनंद कंद भगवान की, धोबी मारा गया। एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई परीक्षा।